एम सॉल्यूशन चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको समाकलन भाग 9 की बात करेंगे। इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन बताएंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है dx अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसे हम सॉल्व करने के लिए 3x माइनस 2 को मान लेंगे t, 3x माइनस 2 इक्वल टू मानेंगे t, इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 3dx बराबर dt। dx का मान निकालें अगर तो dt बाई 3 होगा। अब यह वैल्यू इसकी जगह पर t को हम यहाँ रखेंगे, यानी इसकी वैल्यू हम t रखेंगे और dx की वैल्यू रखेंगे dt बाई 3। dt बाई 3 में बाई 3 हम यहाँ किनारे कर देंगे और यहाँ लिख देंगे 1, और कर्णी के अंदर 1 माइनस इसकी जगह पर क्या लिखना था, टी लिखना था, टी का स्क्वायर इंटू लगा देंगे इधर डी टी। डी टी बाई 3 आया किसकी जगह पर, डी एक्स की जगह पर, यानी डी एक्स की जगह पर डी टी बाई 3 आ गया है और 1 बटे कर्णी के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर। टी कहाँ से आया, इसका मान टी है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 1/3, और ये है साइन इनवर्स टी का फार्मूला, ये है साइन इनवर्स टी प्लस सी का फार्मूला। आगे हम टी का मान रख देंगे और आंसर पा जाएंगे। टी की जगह पर हम वही रखेंगे जो टी का मान है 3x-2, 3x-2 प्लस सी, ये हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है dx बाई रूट के अंदर 3 - x² / 4। तो इसे भी सॉल्व करना है, लेकिन डायरेक्टली ये सॉल्व नहीं होगा, इसको किसी न किसी सूत्र में कन्वर्ट करना है। अगर साइन इनवर्स टी वाले फार्मूले में रखना है ऐसे, अगर ऐसा बनाना है तो यहाँ 1 रखना पड़ेगा। 1 रखने के लिए यहाँ से हमें 3 कामन लेकर के हटाना पड़ेगा, तो 3 कामन लेके पहले इसको हटा देते हैं। 3 कामन लेंगे तो बाहर आएगा कर्डिम 3, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे कर्डी के अंदर 1 - x² / 12। क्योंकि जब 3 कामन लेंगे तो 3 कामन लेने के बाद यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा तो 3 के 4 में गुणा होगा तो 3 चौक 12 होगा। अब इसे हम ऐसे लिख देंगे dx बाई रूट के अंदर 1 - x / 12 का होल स्क्वायर, और x / 12 को मान लेंगे t, x / 12 = t, तो 1/12 dx बराबर dt, या dx बराबर आ जाएगा 12 dt। तो 1/3 dx यहाँ पर लिखेंगे 12 dt बटा कर्ड़ी के अंदर 1 - इसकी जगह पर लिख देंगे t² 12 आ जाएगा ऊपर, 12/3 dt बाई कर्ड़ी के अंदर 1 - t², ये साइन इनवर्स t का फार्मूला बन गया। तो 12 को लिख सकते हैं 3 × 4, 3 × 4/3, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स t प्लस सी। तो अगर कड़िम 3 से 3 को काटें, कड़िम 3 से 3 को काटें तो यहाँ 2 बार कड़िम 3 है और यहाँ 1 बार कड़िम 3 है, तो कटेगा जब तो जाएगा 4 / 3 साइन इनवर्स टी का मान क्या था, x/12 प्लस सी, ये हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 1/c/2 प्लस bx का होल क्यूब dx। तो इसी फार्मूले के रूप में कन्वर्ट ना करके हम डायरेक्ट पूरे हर को ही मान लेंगे टी,
माना सी बाई टू प्लस वी एक्स इक्वल टू मान लिया टी, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है। अगर केवल एक घात रहता तो हम एक बटे टी मानते, एक बटे टी लाग टी हो जाता, एक बटे टी क्यूब हो जाएगा। जब टी क्यूब का कोई फार्मूला है या नहीं है, तो कोई फार्मूला ना होने की वजह से इसको हम सिंपली सी बाई टू प्लस बी एक्स इक्वल टू टी मानेंगे। दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो जाएगा बी डी एक्स बराबर डी टी, या डी एक्स बराबर डी टी बाई बी। तो डी एक्स की जगह पर डी टी बाई बी रखना, यानी एक बटा बी हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ वन अपान इसकी जगह पर क्या लिखना था हमको, टी लिखना था, टी पे घात तीन, और डी एक्स की जगह पर डी टी बाई बी, यहाँ पर डी टी यहाँ है बटे बी यहाँ है, तो एक बटा बी, और इसको लिख सकते हैं टी पे घात माइनस तीन डी टी। और इसे आप समझ सकते हैं कि एक्स पे घात एन वाला फार्मूला लगेगा। एक्स पे घात एन का फार्मूला क्या होता है, जो समाकलन का सबसे पहला सूत्र है वही सूत्र यहाँ भी लगेगा, यानी टी पे घात माइनस तीन प्लस वन अपान माइनस तीन प्लस वन प्लस सी, तो जगह एक बटा बी टी पे घात माइनस दो बटे माइनस दो प्लस सी। माइनस दो इधर लाएंगे हम, यानी माइनस वन अपान टू बी इंटू एक बटा टी स्क्वायर प्लस सी। टी पे घात माइनस दो ऊपर है, नीचे लाएंगे टी पे घात प्लस दो होगा, तो इस तरीके से हो जाएगा माइनस वन अपान टू बी और इंटू वन अपान टी का मान जो हम लोगों ने रखा है यहाँ पर, टी की जगह पर सी बाई टू प्लस बी एक्स लिख देंगे, टी की जगह पर लिख देंगे सी बाई टू प्लस बी एक्स। तो इस पर दो घात है तो हम इस पर दो घात लगा देंगे प्लस सी, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चार की तरफ। क्वेश्चन नंबर चार में भी दिया है बहुत ही कमाल का सवाल, पाँच प्लस ब्रैकेट में दो माइनस तीन एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर से संबंधित फार्मूला है, टेन इनवर्स का भी होता है, साइन इनवर्स का भी होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको हम टेन इनवर्स के रूप में चेंज करेंगे। तो टेन इनवर्स के रूप में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ वन लिखना पड़ेगा, तो वन लिखने के लिए हम पाँच को कॉमन ले लेंगे, पाँच कॉमन लेते हैं हो जाएगा एक बटे पाँच, एक बटा एक धन दो माइनस तीन एक्स का होल स्क्वायर बटे पाँच डी एक्स। देख सकते हैं अगर हम पाँच का अंदर गुणा करें तो हमें यही लाइन फिर से वापस प्राप्त होगा। अब इसे हम लिख सकते हैं एक बटे पाँच, एक बटा कोष्टक के अंदर वन प्लस टू माइनस थ्री एक्स बाई रूट फाइव का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर एक काम करना है, इसको हम मानेंगे टी, टू माइनस थ्री एक्स बाई रूट फाइव इक्वल टू माना टी। अब अवकलन जब करेंगे तो ये तो किनारा हो जाएगा, ये हो जाएगा किनारे, यानी ऐसे हो जाएगा ये दो बटे कर्णियम पाँच माइनस तीन बटे कर्णियम पाँच एक्स बराबर टी। अलग अलग करके अब अगर हम अवकलन करते इसका जीरो होगा और इसका हो जाएगा माइनस तीन बटा कर्णियम में पाँच डी एक्स बराबर डी टी। तो डी एक्स का मान अगर हम निकालें, डी एक्स का मान निकालें तो जाएगा माइनस कर्णियम पाँच बटे तीन डी टी, कर्णी पाँच ऊपर हो जाएगा और तीन नीचे हो जाएगा। तो डी एक्स की जगह पर हमको ये लिखना है और इसकी जगह पर ये लिखना है, तो एक बटे पाँच, और डी एक्स की जगह क्या लिखना था, कर्णी पाँच बटे तीन, कर्णी पाँच बटा तीन, वो भी किस में, माइनस में, माइनस में लिखना, माइनस चिन्ह लगा दिया, इंटीग्रेशन का चिन्ह, वन अपॉन वन प्लस इसकी जगह पर क्या लिखना था टी, टी स्क्वायर, और ये डी एक्स की जगह पर क्या आएगा डी टी। तो आप देख सकते हैं वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी का फार्मूला है, और यहाँ कर्णियम पाँच से कर्णियम पाँच काट देंगे आप तो माइनस एक बटे तीन कर्णियम पाँच होगा, माइनस एक बटे तीन कर्णियम पाँच,
और टेन इनवर्स टी प्लस सी। अब टी का मान रिटर्न कर देंगे, ये वाला टी की जगह पर इतना हम लिख देंगे, टी की जगह पर इतना ला करके यहाँ लिख देंगे, तो यानी माइनस एक बटा तीन कर लें पाँच, टेन इनवर्स टी की जगह पर क्या है टू माइनस थ्री एक्स बाई रूट फाइव प्लस सी, ये हुआ इसका आंसर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार था। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर पाँच की तरफ। यहाँ बीच में प्लस है यानी वन प्लस एक्स स्क्वायर या वन प्लस टी स्क्वायर के रूप में यानी टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला हम बना सकते हैं, तो इसके लिए हमें बी स्क्वायर कामन लेना पड़ेगा। तो एक बटा बी स्क्वायर जब हम कामन लेंगे तो बचेगा वन प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर वन अपन बी स्क्वायर किनारे किनारे लिखेंगे साइड में, और वन अपन वन प्लस ए एक्स बाई बी का होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर ए एक्स बाई बी को हम टी मानेंगे, माना ए एक्स बाई बी इक्वल टू टी, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो एक्स का अवकलन हो जाएगा वन, तो यानी ए बाई बी डी एक्स बराबर डी टी, और डी एक्स का मान अगर हम निकालें तो डी एक्स बराबर हो जाएगा बी बाई ए डी टी। अब जहाँ पर ये चीज़ लिखा है वहाँ पर टी लिख देना है, और जहाँ पर डी एक्स लिखा है वहाँ पर बी बाई ए डी टी लिखना है, यानी वन अपान बी स्क्वायर वन अपान वन प्लस टी स्क्वायर, और डी एक्स ये हम क्या लिखना था बी बाई ए डी टी, बी बाई ए इंटू डी टी, तो बी बाई ए का गुणा हम यहाँ पर कर देंगे। जब बी बाई ए का गुणा यहाँ पर करेंगे तो बी से बी कट जाएगा, यहाँ पर ए को बी बचेगा, बी इंटू ए यानी वन अपान ए बी इंटीग्रेशन का चिन्ह वन प्लस टी स्क्वायर और डी टी। अब आप इसको देख सकते हैं ये क्या है, ये है टेन इनवर्स टी का फार्मूला, वन अपान ए बी टेन इनवर्स टी प्लस सी, और टी की जगह पर क्या लिख सकते हैं आप, टी की जगह पर लिख सकते हैं ए एक्स बाई बी, यानी आंसर के रूप में हम वन अपान ए बी टेन इनवर्स ए एक्स बाई बी प्लस सी, ये हो गया आंसर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपका कोई पर्सनल प्रश्न है जो अवकलन या समाकलन से संबंधित है तो आप उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 7525 8180 38 पर भेज सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर एक आने वाली अगली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको मेरी अगली वीडियो शायद नहीं मिल पाएंगी।